हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि आप एशियन पेंट्स में निकलने वाले टोकनों के पैसों को अपने बैंक या पेटीएम में कैसे ले सकते हैं, वो भी अपने फ़ोन से और बहुत आसानी से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और सर्च में लिखना है मास्टर स्टॉक। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। फिर फ्रेंड्स, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका प्लीज एंटर योर फुल नेम, यहाँ पर आपका नाम मांग रहा है तो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ। मोहम्मद अम्मार। फिर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपका एंटर वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पर अपना कोड डाल देना है जो SMS में आया हुआ है, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। चौवन पचपन अस्सी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, कंटिन्यू वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर लेना है, जो पासवर्ड रखना है। मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, आपको नीचे भी यही वाला पासवर्ड डाल देना है। फिर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। तो फिर फ्रेंड्स, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। आपको ये जो एवरी वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ऐप के अंदर प्रवेश कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ऐप को और बेहतर करने के लिए यहाँ पर आपको अपनी एक फ़ोटो लगा लेना है। तो आपको सिंपली इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। आपको अपलोड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आपको जो सा फोटो लगाना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको इस वाले डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका फोटो लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने टोकनों को स्कैन कर सकते हैं। कि फ्रेंड्स, आप यहाँ पर अपने टोकनों को स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जैसे ये पुट्टी का टोकन है, आप हम यहाँ पर पुट्टी के टोकन को स्कैन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ट्रैक्टर मॉलसन की बाल्टी का टोकन है, हम उसे भी स्कैन कर सकते हैं। टोकनों को स्कैन करने के बाद उनके पैसों को अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में कैसे ले, तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। तो आपको फ्रेंड्स,
ये जो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट ऐड कर लेना है, माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, इस वाले ऑप्शन पे। तो फ्रेंड्स हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे, ऐड अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर अकाउंट नेम, यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन यहाँ एंटर पेटीएम नंबर, यहाँ जो आपका पेटीएम नंबर है वो पेटीएम नंबर डाल देना है। यहाँ से आपको ये जो है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर अकाउंट ऐड हो चुका है। तो हम आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बैक आ जाना है। तो फ्रेंड्स आप इस रिडीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पे पैसों को रिडीम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप 100 रुपये रिडीम कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको अपना जो पेटीएम अकाउंट है उसे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है फिर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसे आपके पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। आपको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बैक आ जाना है। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।